हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी क्लासेस बीए पार्ट टू। टुडे आवर टॉपिक इज ड्रग एडिक्शन, मादक द्रव्य व्यसन। ओके, आज का टॉपिक है हमारा मादक द्रव्य व्यसन। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। मादक द्रव्य व्यसन को एक जीर्ण मानसिक रोग भी कहा जा सकता है। मादक द्रव्य व्यसन वैसे पदार्थ को कहते हैं जिनके सेवन से नशे का अनुभव होता है तथा लगातार सेवन करने से व्यक्ति उसका आदी बन जाता है। हमारे समाज में कई प्रकार के मादक द्रव्यों का प्रचलन है, जैसे शराब, विस्की, रम, बियर, महुआ, हंडिया आदि सामाजिक मान्यता प्राप्त वैध पदार्थ हैं। ओके, संसार के अन्य देशों की तरह भारत में भी मादक पदार्थों के सेवन का प्रचलन बहुत प्राचीन काल से रहा है, लेकिन प्राचीन काल की तुलना में आज मादक द्रव्य व्यसन से संबंधित व्यवहार प्रतिमानों में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। प्राचीन काल में मकपान तथा दूसरे मादक पदार्थों का सेवन समाज के संभ्रांत वर्ग तक सीमित था, लेकिन आज इस समस्या का रूप मध्यम वर्ग के और निम्न वर्ग के लोगों में भी सबसे ज़्यादा गंभीर हो गया है। कोई भी ओकेज़न हो, फेस्टिवल हो या फिर कोई भी खुशी का मोमेंट हो, ओके, किसी भी इवेंट्स पर भी मकपान को एक फैशन के रूप में देखा जाने लगा है। ओके, एल्कोहलिज्म, मीनिंग ऑफ एल्कोहलिज्म। साधारण शब्दों में कहें मकपान का अर्थ शराब का सेवन करना है तथा जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है उसे हम मक से भी एल्कोलिक कहते हैं। ओके, एल्कोलिक कहते हैं। कुछ व्यक्ति यह मानते हैं कि मकपान का अर्थ केवल अधिक मात्रा में शराब का सेवन करना है। इस संबंध में इलियट तथा मैरिल ने भी लिखा है कि कभी कभी अथवा कम मात्रा में शराब पीना मकपान नहीं है, एक समस्या के रूप में अधिक मात्रा में शराब पीना ही मकपान है। इस कथन को इसलिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता है कि शराब किस मात्रा को अधिक कहा जा सकता है, मतलब शराब की कौन सी मात्रा अधिक है और कौन सी कम, इसका निर्धारण करना बहुत ही कठिन है। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि मकपान के अर्थ को कुछ अन्य परिभाषाओं में भी हम देख सकते हैं, जैसे कि फेयर चाइल्ड ने कहा है कि शराब पीने की असामान्य बुरी आदत ही मकपान है, और जब व्यक्ति एक आदत के रूप में अधिक शराब पीने लगता है तो इसी दशा को हम मकपान कहते हैं। ओके, मादक पदार्थों का शरीर पर निम्नलिखित प्रभाव होते हैं, जैसे शारीरिक कमजोरी। मादक पदार्थों के सेवन से शरीर में कमजोरी उत्पन्न होने लगती है तथा व्यक्ति की शारीरिक क्षमता घटने लगती है। ओके, नंबर टू है मानसिक कमजोरी। मेंटली तौर पर भी व्यक्ति कमजोर हो जाता है। मादक पदार्थों के सेवन से मानसिक कमजोरी होने लगती है, जो मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देती है। मतलब क्या होता है, जैसे ही व्यक्ति शराब पीना शुरू करता है या कोई भी किसी भी प्रकार के ड्रग एडिक्शन का यूज़ करता है, तो उससे क्या होता है, वो मेंटली तौर पर भी और फिज़िकली तौर पर वीक होने लगता है, जिससे क्या होता है, फिज़िकली तौर पर उसकी इम्यूनिटी पावर, उसका स्टेमिना सब वीक होने लगता है, उसके कार्य करने की क्षमता भी कम होने लगती है। और मेंटली तौर पे क्या होता है, मेंटली तौर पर भी वो वीक होने लगता है, जिससे वो उसे ये भी नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, और वो बिल्कुल उसके अंदर पॉजिटिविटी सब ख़त्म हो जाती है, वो सही डिसीज़न भी नहीं ले पाता है और वो गलत रास्ते पर चलने लगता है। ठीक है, मेंटली तौर पर भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ड्रग एडिक्शन, इट इज़ ए पैटर्न ऑफ कंपल्सिव ड्रग यूज कैरेक्टराइज्ड बाई ओवरवेलमिंग इन्वॉल्वमेंट विद द यूज़ ऑफ ड्रग एंड ड्रग अब्यूज। इट इज़ डिफाइंड एज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग फॉर नॉन मेडिकल रीजन्स इन क्वान्टिटीज एंड फ्रिक्वेंसीज
विच मे इम्पेयर इन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली एंड विच मे रिजल्ट इन सोशल फिजिकल और इमोशनल हार्म। फैक्टर्स एसोसिएशन विद ए हाई रिस्क फॉर एल्कोहलिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, लिविंग अवे फ्रॉम होम, माइग्रेशन टू सिटीज, रिलैक्स्ड पैरेंटल कंट्रोल, ब्रोकन होम्स, वन पेरेंट फैमिलीज, एरियाज विद हाई रेट ऑफ क्राइम और वाइस। नेक्स्ट है एरियाज वेयर देयर आर ड्रग यूजिंग गैंग्स, एंड लास्ट एरियाज वेयर ड्रग आर सोल्ड, ट्रेडेड और प्रोड्यूस्ड। इट्स मीन दैट फैक्टर्स। अब देखिए जब व्यक्ति एल्कोहलिज्म का मद्यपान का यूज़ करता है, जब वो शराब पीने की या कोई भी द्रव्य व्यसन लेने लगता है, तो उसकी बॉडी पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं या उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, अब हम वो देखेंगे। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए जब व्यक्ति शराब की लत उसे लग जाती है या फिर वो कोई भी ड्रग एडिक्शन लेने लगता है, तो क्या होता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, बेरोजगार होने लगता है। ठीक है, वो मतलब उसका जो वर्क होता है प्रोफेशनली तौर पर भी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है। ओके, उस वो जिस भी अपने प्रोफेशन में होता है या फिर कोई भी उसका ऑक्यूपेशन होता है, उसमें क्या होता है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, जिससे क्या होता है, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो बेरोजगार भी हो जाता है। लिविंग अवे फ्रॉम होम, घर छोड़ के चला जाता है। ओके, क्योंकि फैमिली वाले कंट्रोल करते हैं तो वो घर भी छोड़ देता है। माइग्रेशन टू सिटीज, रिलैक्स्ड पेरेंटल कंट्रोल, माता पिता का कंट्रोल जब उस पर नियंत्रण होने लगता है, पेरेंट्स का भी। ओके, ब्रोकन होम, घर भी टूट जाता है उसका। कई बार जो मैरिड कपल होते हैं तो क्या होता है, जब वो व्यक्ति एल्कोहलिज्म का यूज़ करते हैं, कोई भी ड्रग एडिक्शन यूज़ करते हैं, तो उनकी फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, जिससे क्या होता है, उनकी पूरी लाइफ अस्त व्यस्त हो जाती है। हाई रेट ऑफ क्राइम, क्राइम की तरफ भी बढ़ जाते हैं, अपराध करने लगते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, और कुछ भी उल्टा सीधा वो कर लेते हैं, अपने आप को भी हार्म पहुंचा लेते हैं, कई बार नशे की हालत में दूसरे को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। ओके, और एरियाज वेयर देयर आर ड्रग यूजिंग गैंग्स, कुछ ऐसी हम जगह भी देते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर क्या होता है, ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो अगर ऐसी संगत में कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, व्यक्ति अगर इस तरह की संगत में रहता है, कई बार उसकी इस तरह के कंपेनियंस मिल जाते हैं, उसके साथी ऐसे होते हैं जो कि ड्रग एडिक्शन के आदि होते हैं, जिससे क्या होता है कि उस ग्रुप में या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर भी व्यक्ति नशे की उसको लत पड़ जाती है। ओके, नशे का आदि हो जाता है। एरियाज वेयर ड्रग्स आर सोल्ड, ऐसे एरियाज में रहना जहाँ पर ड्रग्स बेचा जाता है, जहाँ पर उसका व्यापार होता है, जहाँ पर यह उत्पन्न किया जाता है, तो ऐसी जगह से भी दूर रहना चाहिए। तो ये क्या है कि फैक्टर्स एसोसिएटेड विद ए हाई रिस्क फॉर एल्कोहलिज्म। ओके ओके, इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल ऑन द बॉडी। अब हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं एल्कोहल के। एल्कोहल हैज़ ए मार्क्ड इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यह हमारे सिस्टम नर्वस सिस्टम को बिल्कुल बेकार कर देता है। ठीक है, इट इज़ नॉट ए स्टिमुलेंट एज लॉन्ग बिलीव्ड, बट ए प्राइमरी एंड कंटिन्यूस डिप्रेशेंट। नंबर वन, एल्कोहल प्रोड्यूस साइक्निक डिपेंडेंस ऑफ वेरिंग डिग्रीज फ्रॉम माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग। एंड नंबर टू, अकॉर्डिंग टू करेंट कॉन्सेप्ट, एल्कोहलिज्म इज कंसिडर्ड ए डिसीज एंड एल्कोहल ए डिसीज एजेंट विच कॉज एक्यूट एंड क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशंस, क्रॉसिक ऑफ लीवर, टॉक्सिक, साइकोसिक, गैस्ट्रिक, पैनक्रीटिक्स एंड प्रीफेरियल एंड न्यूरोपैथी।
मतलब हमारी बॉडी पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसका। देखिए, मदपान या मादक द्रव्यों का अगर हम सेवन करते हैं तो स्वास्थ्य को सबसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जैसे कब्ज की शिकायत या आंतों में पीड़ा या किडनी की कमजोरी, इसके प्रमुख परिणाम भी हैं। ओके, जैसे कि हम देखेंगे कि मादक द्रव्यों, ये जो मादक द्रव्य होते हैं उनके सेवन से कुछ समय बाद क्या होता है, लीवर की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। ओके, हृदय रोग, सनकीपन, मानसिक मेंटली वीकनेस, या फिर जो उनकी मेमोरी होती है वो भी वीक होने लगती है, और भी काफ़ी बीमारियां उत्पन्न होने की भी संभावना रहती है। आत्मशक्ति की कमी, कॉन्फिडेंस लेवल उनका डाउन हो जाता है, इस व्यसन का ही परिणाम है। मादक पदार्थों में स्मेक के भी दुष्परिणाम सबसे ज़्यादा घातक होते हैं, और इसके उपयोग से पेट में दर्द रहने लगता है, शरीर और गर्दन में भी ऐंठन बढ़ती है, आँख और नाक से भी पानी आता है, और मानसिक उद्रेक बढ़ने से भी व्यक्ति जल्द ही क्रोधित भी हो जाता है, तथा किसी भी काम को करने में उसकी रुचि नहीं रहती है, और त्वचा संबंधी रोग भी, स्किन संबंधी उसे प्रॉब्लम भी होने लगती है। मादक पदार्थों के कारण अक्सर ये बीमारियां गंभीर रूप भी ले लेती हैं। कई बार तो ये होता है कि इन ड्रग एडिक्शन के कारण हमारी बॉडी पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। इट्स मीन दैट वो कई बार ऐसी स्टेज पे खड़ा होता है जहाँ पे उसको सुसाइड करना पड़ता है, या फिर वो खुद डेड हो जाता है। ओके, तो ये ड्रग एडिक्शन के हमारी बॉडी पर बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ते हैं। अतः व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को संगठित करने में मग निषेध की विशेष भूमिका है। मग निषेध का सबसे अधिक लाभ शारीरिक श्रम करने वाले उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी आय का एक बड़ा भाग इस दुर्व्यसन पर समाप्त हो जाता है। ओके, अपराधों को कम करने तथा युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नशा निषेध आवश्यक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।